बढ़ते अगली खबर की ओर। कवर्धा में फिर एक बार मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 20 से अधिक मजदूरों को लेकर पिकअप जा रही थी। बचेड़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कवर्धा से संजू गुप्ता जुड़ गए हैं। संजू, पिकअप जो है वो पलटी है, आखिर पूरा मामला क्या है और कितने लोग इस मामले में घायल हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि लोहारा थाना के अंतर्गत ग्राम बचेड़ी का मामला है, जहां पे पिकअप वाहन पलटने से लगभग 20 लोग उसमें घायल हो चुके हैं, जिसमें से 3 लोग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की सुस्त रवैये के कारण लगातार जिले में पिकअप वाहन पलटने की शिकायतें मिल रही है, लेकिन किसी भी तरह पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता की कमी भी है। इसके पहले भी जो कुकदूर में हुए थे, इसमें पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, लगातार मौत की शिकायत मिल रही है। आपको बता दूं कि फिलहाल जो है बचेड़ी के लोहारा थाना अंतर्गत बचेड़ी से जो है वहाँ पे जो मझगांव के जो ग्रामीण थे वो मजदूरी काम के लिए कवर्धा आ रहे थे। इसी दौरान जो गाड़ी तेज रफ्तार में थी अनियंत्रित होकर मेन सड़क पर पलट गई और खेतों पर गिर गई, जिसके इसमें सवार जो 20 लोग थे उसमें जो कम चोटें आई हुई है। साथ ही साथ उसमें जो 3 लोग हैं गंभीर चोट है, जिन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए रिफर किया है। गाड़ी पलटने से तत्काल मौके पर वहां पे ग्रामीण पहुंचे और वहां पे 102 और 108 के माध्यम एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल रिफर किया गया है। जी शुक्रिया संजू तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कवर्धा का ये पूरा मामला है, जो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट गई। रुकते अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा महिला पुलिस बल ने शहर में बाइक रैली निकाली। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस